जहां एक और पूरे देश भर में कोलकाता के लेडी डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत को लेकर हर किसी के दिल में बस यही है कि बंगाल की उस बेटी को इंसाफ मिले, तो वहीं दूसरी तरफ अब लॉरेंस गैंग का भी गुस्सा फूटा है। जैसे कि अब तक मैंने इस सब वीडियो में बता दिया है कि आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ, कैसे हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया और उस लेडी डॉक्टर जिसे अब सब अभिया बोल रहे हैं किस प्रकार उसकी हत्या भी कर दिया गया। और इस मामले में न केवल भारतवर्ष के लोग इंसाफ चाहते हैं बल्कि वो लोग भी चाहते हैं जो जेल के अंदर बंद हैं। चलिए आज कुछ और चेहरों के बारे में जानते हैं। कोलकाता कांड, सीबीआई पूछताछ ने खोला शर्मसार करने वाला राज। कोलकाता एक शहर जहां जिंदगी कभी रुकती नहीं, वहीं एक जगह जो इलाज के लिए मशहूर थी, जो बन गई एक डरावने सपने का केंद्र। एक यंग डॉक्टर जो अपने भविष्य को लेकर उम्मीदों से भरी थी, उसे ऐसे हालात में मरा हुआ पाया जाना जो इतने क्रूर थे, जो इन्होंने पूरे समाज का विश्वास हिला दिया। ऑफिशियल स्टोरी जल्द से चेंज कर दी गई। बहुत जल्दी एक आरोपी का नाम लिया गया, एक कन्फेशन लिया गया और केस बंद हो गया। लेकिन धीरे धीरे एक काला सच उभरने लगा, ऐसी बातें जो कुछ बहुत ही भयानक चीजों की ओर इशारा कर रही थी। एक मेडिकल कॉलेज जो अपनी लेगस के लिए जाना जाता था, वह कैसे मर्डर का स्टेज बन गया। किस तरह उसी अस्पताल में घिनौने काम का पर्दाफाश करने वाली थी अभिया, लेकिन उससे पहले उसे रास्ते से हटा दिया। पूरा सच जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखना। तो ही जेल में बंद लॉरेंस गैंग के बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिसे इस घटना के बारे में पता चला, और जैसे कि पता चलने के बाद उन लोगों के दिल में भी बहुत गुस्सा ऐसे लोगों के लिए भरा हुआ है। उनका भी यही मांग है कि कोलकाता की उस बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उन लोगों की भी यही मांग है, नहीं तो हमें अपने तरीकों से करने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो अब आपकी इस पर क्या राय कमेंट में हमें जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।